गुड मॉर्निंग माय लिटिल फ्रेंड, हाउ आर यू टुडे? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन, सेफ एंड फिट एट होम. ओपन एट पेज नंबर 9, राइट डाउन CW डेट एंड डे. डियर स्टूडेंट, वी लर्न यूजेस ऑफ प्लांट इन प्रीवियस टॉपिक. आई आस्क सम क्वेश्चन, प्लीज गिव मी आंसर अबाउट दिस क्वेश्चन. वॉट आर द यूजेस ऑफ प्लांट वी लर्न इन प्रीवियस टॉपिक? टेल मी फर्स्ट बेटा. I had taught earlier. Very good. Plant gives us cereals, plant gives us pulses, plant gives us vegetable, plant gives us fruits, plant gives us nuts, plant gives us spices. And today we are going to teach you oils. Seventh uses of plants is oil. I read first, then please repeat after me. We get oils by crushing the seeds of some plants. Underline this sentence. Example of coconut oil, groundnut oil, mustard oil, sunflower oil are commonly used oil. जो oils होते हैं वो हमें किससे मिलते हैं? Oils gives us seeds, nuts and fruits. जो seeds होती है यानी बीजे होते हैं, nuts होते हैं या fruits होते हैं, उससे हमें क्या मिलता है? Oil मिलता है. और we get oil by crushing the seeds of some plants. तो हम वो क्या करते हैं, जो crush करते हैं यानी जो seeds होती है या nuts होते हैं या fruits होते हैं, उसको क्या करते हैं? Crush करते हैं, कुचलते हैं. और उससे हमें क्या मिलता है? जो oil मिलता है. तो example of oils are coconut oil. Coconut oil यानी नारियल का तेल. Coconut oil means नारियल तेल. Groundnut oil और पीनट ऑयल. ग्राउंडनट ऑयल को ही पीनट ऑयल कहा जाता है यानी मूंगफली का तेल. उसके बाद में मस्टर्ड ऑयल. मस्टर्ड ऑयल मींस सरसों का तेल. उसके बाद में सनफ्लावर ऑयल. सनफ्लावर ऑयल मींस कुकिंग जो सूरजमुखी का तेल होता है उसे क्या कहा जाता है? सनफ्लावर ऑयल आर कॉमनली यूज ऑयल. तो जो ऑयल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सीड और फ्रूट्स ऑफ द प्लांट. द मोस्ट कॉमनली यूज ऑयल आर कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल. ऑयल इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेस लाइक कुकिंग, मसाजिंग अवर हेड. तो जो ऑयल होता है उसका यूज हम कुकिंग के लिए करते हैं या बालों की मसाज करने के, हेड की मसाज करने के लिए यूज करते हैं या बालों को लगाने के लिए करते हैं या बॉडी को मसाज करने के लिए भी हम अलग अलग ऑयल का यूज करते हैं. तो अनदर एग्जांपल ऑफ ऑयल्स आर कैस्टर ऑयल. कैस्टर ऑयल यानी जो अरंडी का तेल होता है उसे क्या कहा जाता है? कैस्टर ऑयल कहा जाता है. उसके बाद में राइस ब्रेन ऑयल यानी जो राइस होता है, चावल होता है. अभी हम देखते हैं कि बहुत बार वो राइस ब्रेन ऑयल हमें मिलता है यानी वो चावल से बना हुआ तेल होता है उसे कहा जाता है राइस ब्रेन ऑयल. उसके बाद में वॉलनट ऑयल. जो अखरोट का तेल बनाते हैं उसे वॉलनट ऑयल कहा जाता है. उसके बाद में ऑलिव ऑयल यानी जो जैतून का तेल होता है उसे कहा जाता है ऑलिव ऑयल. उसके बाद में जो फ्लैक्स सीड होती है यानी जो अलसी होती है उससे भी हमें ऑयल मिलता है. तो लुक एट दिस ऑयल्स. व्हाट इज दिस? विच ऑयल इज दिस? दिस इज अ आमंड ऑयल. What is this? This is a almond oil, यानि बादाम का तेल. And what is this? This is a coconut oil. What is this? This is a coconut oil, यानि नारियल का तेल. उसके बाद में what is this? This is a castor oil. Castor oil का मतलब है अरंडी का तेल. उसके बाद में what is this? This is a mustard oil, यानि सरसों का तेल. Mustard oil means सरसों का तेल. और उसके बाद में विच ऑयल इज दिस? दिस इज अ सिसमी. सिसमी यानी जो तिल होता है, तिल को ऑयल को क्या कहा जाता है? सिसमी ऑयल कहा जाता है. तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ ऑयल्स. व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ ऑयल्स? कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड आमंड ऑयल एंड कैस्टर ऑयल, वॉलनट ऑयल and olive oil and rice bran oil. These are the example of oil. Thank you. Have a nice day. See you again.